मोते हो गए, हम मैच नहीं जीत रहे वर्ल्ड कप में, सही जलील करवाई जा रहे हैं, जलील करा रहे हैं। और क्या है? सुपर ओवर में जो मैच बनाया दोबारा आमिर ने, वो मैंने देखा ही नहीं है। यानी कि उसके बाद टीवी नहीं किया देखने को, टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो। क्या बात है, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है, ये गाना सुना देंगे ने बात। तुम जीता आजम खान तो बिल्कुल उसकी जगह, क्या उसको तो वो शायकीन में बैठने के काबल नहीं है, क्योंकि उधर बैठेगा दो सीटें मार लेगा इसकी तरह। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान स्पेशल के साथ आपका मेजबान हैदर अली हाजरी खिदमत। नाज़रीन T20 वर्ल्ड कप 2024 जो शुरू हो चुका है, सारी टीम अपना अपना मैच खेल रही है। पाकिस्तान ने भी पहला मैच खेला, जो बदकिस्मती से भाई हंस रहे हैं, जो बदकिस्मती से हार गया, तो उसके पहले मैच के अंदर आजम खान ने बहुत आउट क्लास परफॉर्मेंस दी, जो माशाल्लाह। ये आजम खान भी हमारे साथ मौजूद हैं, तो आइए चलते हैं। अब कल रवायती हरीफ पाक भारत का जो टाकरा होने जा रहा है, उस वाले से बात करते हैं। यहाँ हम क्रिकेट ग्राउंड में मौजूद हैं, तो ये भाई कह रहे हैं आजम खान है। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक भैया, मैं भी ठीक ठाक। वर्ल्ड कप शुरू हो चुका है, बड़ी उम्मीदें लगाते हैं हम साल दो साल पहले के, जी वर्ल्ड कप आएगा, जी हम मैच देखेंगे, पाकिस्तान जीतेगा। पहला मैच जो जीता पाकिस्तान, कैसा लग रहा? पाकिस्तान पहला मैच जीता ही नहीं है। अच्छा, मुते हो गए, हम मैच नहीं जीत रहे वर्ल्ड कप में, सही जलील करवाई जा रहे हैं, जलील करा रहे हैं। और क्या है, जलील ही है जो दुनिया में पहली दफा क्रिकेट खेल रही है, उनसे मैच आ रहे हैं, हालांकि वो कोई टीम भी नहीं है। आजम खान ने तो भाई आजम छत्तीस आजम खान तो किसी काम का प्लेयर नहीं है, आजम खान की सिफारिश है, सिफारिश ही है। और क्या है, तो बाकी जो और बाकियों ने भी अच्छा परफॉर्मेंस की दी थी कि नहीं? बाकियों ने क्या कि आमर ने मैच बना के दिया है, हर तरफ ने वो भी डुबो दिया, डुबो दिया। तो सुपर ओवर में जो मैच बनाया दोबारा आमिर ने, वो मैंने देखा ही नहीं है। यानी उसके बाद टीवी नहीं किया देखने को, टीवी बंद कर दो, टीवी बंद कर दो, पता लग गया जी हार गया, हार जाना कि सुपर ओवर अभी बाकी था भाई, पता लग गया था यार कि अब जब उन्होंने 20 ओवरों में कुछ नहीं किया तो 1 ओवर में क्या करना। चलो जो हो गया मिड्डी बाओ, कल का मैच कौन जीतेगा? कल का मैच हमारी दुआ तो यही है कि हमारा पाकिस्तान ही जीते, इंशाल्लाह जीतेगा भी, लेकिन उम्मीद नहीं है। इंशाल्लाह जीतेगा भी, हमारी दुआ भी है, हमारी दुआ है। अच्छा, लेकिन जीते या ना जीते क्या दुआ है? हमारी दुआ यही है कि जीते। अच्छा, लेकिन लगता नहीं है, लगता नहीं है, यानी कि इतनी उम्मीदें यानी कि लगाई हुई थी ना पाकिस्तानियों ने। क्या हुआ था जब हारा, क्या हुआ है? कौन दिल टूट गया? हाँ, मोए मोए हो गया, मोए मोए हो गया। अच्छा, यूएसए की टीम जो फर्स्ट टाइम खेल रही थी वर्ल्ड कप, तो उससे हारना तो आजम खान की वजह से हारे, क्योंकि देखे ब्लेम नहीं देना। यूएसए का मैच देखा था कनाडा के साथ, हाईलाइट देखी थी। अच्छा। तो उसमें मैंने कहा कि ये पाकिस्तान को हरा देगी, क्योंकि उनकी बैटिंग जो खास करके, हमारी तो बैटिंग है ही नहीं, तो कोई भी हमारा कोई अग्रेसिव खेलने वाला है नहीं टीम में, हमारी ओपनिंग जोड़ी नहीं अभी डिसाइड हो रही वर्ल्ड कप। ये तीन बंदे जो खेल रहे हैं ना, उस्मान और आजम खान और दूसरा सैम अय्यूब, पिछले मैच में तो नहीं था, लेकिन ये तीनों इनकी तकरीबन 20-25 मैचों से जीरो परफॉर्मेंस है। इनकी एवरेज देख लो, ये एक मिडिल ऑर्डर पे खेलता है, एक वो ओपनर आता है सैम अय्यूब, और उसकी 14 या 13 की एवरेज है। तो किसको खिलाना चाहिए और किसको ओपनिंग आना चाहिए? इनसे अच्छा वो मोहम्मद आरस था लड़का, अच्छा, जो अभी बैठा हुआ मेरे के साथ, गया नहीं गया, उसको सिलेक्ट नहीं किया, सिलेक्ट नहीं किया। तो आजम खान तो बिल्कुल उसकी जगह, क्या उसको तो वो शायकीन में बैठने के काबल नहीं है, क्योंकि उधर बैठेगा दो सीटें मार लेगा इसकी तरह। तो वो फारग है, मतलब ये ऊपर से हमारी बॉलिंग जो है दुनिया की बेस्ट बॉलिंग साइड है, बिल्कुल ऐसी है, और ये मैच हारा हुआ इन्होंने एकदम से बना दिया था, तो लेकिन उसके बाद आमर ने जितना अच्छा वो खेला है सुपर ओवर में, वो फिर तो सारा ओपनिंग किसको आना चाहिए? और अगर जो आपने फखर जमान को, फखर जमान और इफ्तिखार अहमद, नहीं फिलहाल जो है ना, अभी तो मैच स्टार्ट है वर्ल्ड कप, तो चेंजिंग नहीं कर सकते। अगर कल का मैच हार गया तो फिर तो वह खत्म कहानी, बाबर और यही आ जाए, वो वनडे आ जाए फखर जमान, तो
अभी भी पक्का नहीं पता कि आगे जा सकते हैं कि नहीं। बात पता क्या, ये दोनों ही ओपनर आए, अच्छा है ये बाबर और रिजवान, क्योंकि हमारे पास रिजवान तो छक्का मार नहीं सकता। अगर इसको मिडल ऑर्डर पे भेजो ना पांचवें छठे नंबर पे, अगर ओपनर नहीं आएगा तो नीचे पांचवें छठे नंबर पे एक बारी मिलती है, वहाँ पे ये खेल ही नहीं सकता। ओपनर या पावर प्ले होती है फिर कल का मैच कौन जीतेगा यार? ये तो जो अच्छा खेलेगा वही जीतेगा, लेकिन ये हमारी टीम अच्छा नहीं खेल रही। हमारी टीम अच्छा खेल तो नहीं रही, लेकिन हमारी टीम जो है इसका कभी भी कुछ भी मतलब कभी अच्छी परफॉर्मेंस कर देते हैं, एकदम ऐसे लगता है कि नंबर वन साइड है हमारी। और अगले मैच क्या बात है, ये बच्चे भी खड़े हुए हैं। अच्छा मैच आप यहाँ खेलने आए हुए हो, पाकिस्तान इंडिया का कल मैच है, कौन जीतेगा? इंडिया। बच्चे मन के सच्चे, हाँ कौन जीतेगा? इंडिया इंशाल्लाह, पाकिस्तान, स्पोर्टफुल पाकिस्तान के साथ। क्या बात है, तुम जीतो या हारो हम तुम्हारे साथ हैं। क्या बात है, ये गाना सुना देंदे ने बस तुम जीता ऐ गाना सुना के तुम पंप कर देने, दोबारा मोहब्बत करो यार बस यार की करिए। पहले बैटिंग करेगा बॉलिंग करेगा ना तो फिर चांस बन सकते हैं। उसकी वजह ये है कि बॉलिंग हमारी सही है, बॉलिंग साइड में तो अगर, लेकिन हमें ये तो नहीं ना सोचना चाहिए कि पहले खेले या बाद में खेले, भाई टीम है खिलाड़ी है जीतना चाहिए। हमारे मतलब एक वो मिनिमम चांसेस हैं, इतना वो नहीं है कि हम जीत सकते हैं। देगा इंशाल्लाह, हमारी तो पाकिस्तान स्पोर्ट है पूरी सही इंशाल्लाह जरूर जीत। तो ये कैसी स्पोर्ट है कि जी पहला मैच यूएसए से हार गया? बस देख लें आपके सामने ही मेरे सामने क्या है, वो आजम खान ने सुना है बड़ा 6-6 मारा है पहले मैच में। चलो हम भी 6-6 मार लेंगे देखो वो मार सकते जब वो वापस आएगा जी। क्या बात है, अच्छा वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीतेगा इंशाल्लाह? उम्मीद तो है, उम्मीद है। उम्मीद क्यों है, पक्का क्यों नहीं है? पक्का आपके सामने परफॉर्मेंस है उनकी, हमारे सामने तो बड़ा अच्छा खेल रहे हैं यार, आपके सामने कैसा है? बस ठीक, बस ठीक है जी। बहुत ही यानी कि जो हमारे शायकीन है अवाम ने जो जो अवाम ने बहुत सैड है बोला नहीं जा रहा, अवाम ने जो उम्मीदें लगा रखी थी वो सब खत्म हो गई हैं, सब यानी कि जैसे भाई ने कहा मोए मोए हो गया पहले मैच से। अगर अब कल का मैच है, कल का मैच अगर हार जाता है फिर और ही सिचुएशन मोए मोए हो जाएगी, फिर ये होगा बदोबदी, बदोबदी करना पड़ेगा कुछ इसी के साथ। मांगना मसले पे बैठ जाना, वो इससे जीते वो इससे जीते, हाँ कि इसे हारेगा तो जीतेगा, इससे जीतेगा तो ये होगा, इस टीम को हार जाए, जिसको हम सपोर्ट नहीं भी कर रहे थे उसे सपोर्ट करने लग जाते हैं। इसी के साथ मुझे मेरी टीम को दीजिए इजाजत, अल्लाह।